पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर आयुक्त संजय चौहान ने नगर निगम की पिच पर लंबी पारी खेली। अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ के कारण 4 साल 9 महीना 6 दिन वो यहाँ टिके रहे। पीसीएस से आईएएस का प्रमोशन होने के बाद भी वो पद से नहीं हटाए गए। स्मार्ट सिटी के काम में तेजी लाने समेत उनके कार्यकाल में कई ऐसे कार्य भी हुए जो उनकी उपलब्धि में लिखे गए, लेकिन इसके साथ ही जनता से दूरी बनाकर रखने, फोन न उठाने समेत कई आरोप उनके खाते में कमी के रूप में भी दर्ज किए गए। सोमवार देर शाम शासन ने उनका स्थानांतरण कर दिया। उनके स्थान पर खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग के विशेष सचिव दिव्यांशु पटेल को मुरादाबाद का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया। नगर आयुक्त के रूप में संजय चौहान ने यहां 23 फरवरी 2019 में पीसीएस अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला था। 13 अक्टूबर 2021 को वो प्रमोशन पाकर आईएएस हो गए, लेकिन इसके बाद भी वो नगर आयुक्त पद पर बने रहे। उनके कार्यभार संभालने के बाद कोरोना प्रकोप के आने पर उससे निपटने की बड़ी चुनौती रही, जिसमें उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। शहर के सभी सार्वजनिक स्थानों, सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया। अधिकांश स्थानों पर वो स्वयं मौजूद भी रहे। उसके बाद दूसरी चुनौती शहर के रामपुर रोड स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड पर 4 लाख क्विंटल कूड़े के लगे ढेर को निस्तारित कराने की रही। थाने मैंने आपको बताया, प्रथम चरण में ऐसे प्रतिष्ठान जिन्होंने पिछले कई वर्षों से एक भी पैसा टैक्स अदा नहीं किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में मुसाफिर खाना, जिनके विरुद्ध 37 लाख रुपए का राजस्व बकाया है और पिछले 5 वर्षों में उन्होंने एक भी पैसा टैक्स का निगम को अदा नहीं किया है, इस क्रम में उनके विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की गई है। सर, कुछ शॉप्स भी उनके बताया है अभी जो कि स्टेशन के ठीक सामने है। हाँ, मुसाफिर खाना के पास ही कुछ दुकानें हैं, जिन दुकानों को मुसाफिर खाना या उनके इंतजामिया द्वारा कुछ लोगों को किराए पर दिया गया है। प्राइमरीली जो टैक्स की देयता है वो भवन स्वामी के विरुद्ध बनती है, ना कि किराएदारों। सर, मुरादाबाद में डेंगू की लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में नगर निगम का क्या प्रयास है? देखिए, जैसे ही मौसम बदला है, मौसम के परिवर्तन के साथ शहर में कुछ केसेस डेंगू और अन्य प्रकार के वायरल फीवर्स या संचारी रोगों के देखने में आए हैं। इसकी जानकारी होते ही नगर निगम ने अपनी पूरी टीम को पूरी ताकत के साथ आज शहर में उतारा है। लगातार हमारा फॉगिंग, एंटी लार्वा स्प्रे, साफ सफाई, इसके अभियान शहर में चल रहे हैं, लेकिन आज व्यापक पैमाने पर पूरे शहर के खास तौर से उन वार्ड्स में जहां पे ज़्यादा केसेस नोटिस किए गए हैं, वहां इस अभियान को चलाया जा रहा है। माननीय महापौर महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक बहुत सकुशल संपन्न हुई है। लगभग 4 घंटे तक तमाम समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। प्रथमतः इसमें पुनरीक्षित बजट पेश किया गया, शहर के विकास कार्यों की चर्चा हुई, डोर टू डोर की व्यवस्था पर चर्चा हुई, इसके अलावा कुत्ते, बंदर, आवारा पशुओं के पकड़ने पर, गोवंशी पशुओं के संरक्षण और पशु चिकित्सक की तैनाती जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे उम्मीद है कि आज की इस बैठक के बहुत सार्थक परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।